पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया ना, तो रामानंद जी भी दुखी हो गए, उसको दर्द हुआ इस बात का। और कितने उलाना दे दिया, तुम मोमन के पालुआ, तेरा जुलहाए के घर वासे, दास गरीब अज्ञान गति, तेरा इतना दृढ़ विश्वास। कहता है कि तू एक मुसलमान के मोमिन, मुसलमान के टुकड़ों पर पलने वाला, अरे एक धानक जुलाहे सूद्र के घर तेरा निवास है, तेरा जन्म है, वास है, और तू अज्ञानी अपने आप को भगवान बताता है। फिर क्या कहते रामानंद जी, कहते तू ढंग से बात कर, मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बहन, दास गरीब अदमुखी एता तुम गठफैन, रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे, मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आज आधीन। परमात्मा कहते हैं स्वामी जी मैं मान बढ़ाई यानी अभिमान नहीं कर रहा, मैं तो आपका दास हूँ और अधीन हूँ, बिल्कुल आपका बच्चा हूँ, आपका दास हूँ, पर मैं जो कह रहा हूँ ना वह कति सच्ची बता रहा हूँ, सब सत्य है। क्या बताते हैं, जात पात मेरा नहीं बस्ती है बिन थाम, बिना नीम के गांव है कहते वहाँ सतलोक में, जात पात मेरा नहीं बस्ती है बिन थाम, गरीब दास अनन गति तन मेरा बिन चाम, मेरा शरीर तुम्हारे जैसे मटेरियल का नहीं है, तुम्हारे जैसे चाम रहित है, यह नूर का है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं ऊपर रहता हूँ अवगत सत्य कबीर। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर ले सतलोक में रहता है, वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और परमात्मा भी खुद कह रहे हैं कि मैं अधर बसूं ऊपर रहता हूं सतलोक में। अब क्या बताते हैं कि ए स्वामी जी पूरी सृष्टि का रचनहार सृष्टा मैं हूं, और ये सारी सृष्टि मेरे ही आधार है, मैंने ही इसकी रचना करके अपनी शक्ति से इसको रोक रखा है, और मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में अधर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत्य कबीर। अवगत माने वो प्रोक्स, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में आपने पढ़ा कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्स है, गुप्त है, अवगत है, जिसके विषय में कोई नहीं जानता, उस जिसकी गति से कोई परिचित नहीं है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं वो अवगत मैं ही हूँ, मैं सत कबीर ही वो अवगत हूँ, वो प्रोक्स हूँ। सुन रामानंद राम हम और मैं बावन नरसिंगे, दास गरीब सर्वकला मैं ही व्यापक सर्वंग, कि मैं ही सर्वंग हूँ, सर्वंग माने सर्वव्यापक, वासुदेव सबके ऊपर मेरा आधिपत्य है, वो परमात्मा मैं हूँ। सुन स्वामी सत भाख हूँ, सत कहता हूँ, सुनो स्वामी जी मैं सत कहता हूँ, झूठ ना हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल पर पंच, के मेरे बिना जो जिनको भी तू भगवान माने बैठे हो वो सब नकली सांग है, परपंच है। चारों युगन में हम फिरे मैं आऊँ मैं जाऊँ, गरीब दास गुरु भेद से लखो हमारी ठाऊ, पूरे संत के बताए गए गुड़ रहस्य तत्व ज्ञान से हमारे उस लोक को देखो, सतलोक को जानो। गगन सुन गुप्त रहूं, गगन सुन मैं गुप्त रहूं,
ऊपर सतलोक में गुप्त में ही हूँ। हम प्रगट परवाह ग्रीब दास घट घट बसों बिकट हमारी राह। कहते हैं मैं ऊपर रहता हूँ और सबके प्राणियों के हृदय में भी मैं ही विराजमान हूँ। अब एक से अनेक होने की सिद्धियाँ होती हैं। एकादे संत के बारे में आपने सुना होगा कि वो यहाँ भी देखा, किसी ने दूसरे शहर में भी उसी समय देखा। तो एक सिद्धि बहुचोल्यधार है। एक कुछ सीमाएं होती हैं कुछ संतों की, जो कुछ एक दो शरीर अलग से बना सकते हैं समरूप। और परमात्मा में ऐसी सिद्धि है वो असंख्य रूप बना सकते हैं। और दूसरा ये उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य ऊपर है और 100 घड़े भरकर रख दो पानी के मटके, और प्रत्येक में सूर्य दिखाई देंगे न्यारे न्यारे, और वो एक होते हुए भी। ऐसे परमात्मा हमारे साथ अभेद रूप में भी रहता है। गगन सुन मैं गुप्त रहूं हम प्रगट परवा, वहां गुप्त रहता हूं और तेरे सामने प्रगट बैठा। गरीब दास घट घट बसूं बिकट हमारी राह। गोता लाऊं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। अपने आत्माओं, हमने इस परमात्मा की अमर कथा के साथ साथ यथार्थ ज्ञान ज्ञान से परिचित भी होना है, ताकि हम जो साधना कर रहे हैं वो हमारे हृदय में ये समाई रहे कि हम जो कर रहे हैं वो सत्य है, झूठ नहीं है। अब परमात्मा क्या कहते हैं, गोता लाऊं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। अब ये प्रमाण वेदों में देंगे आपको कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान देता है, सही ज्ञान समझाता है। तो फिर के कसर रह जाएगी भगवान की पहचान में, कोई त्रुटि नहीं रहती, और आत्मा फिर अपने परमेश्वर को पहचान के चिपक जाएगी, जैसे बालक हो ना, छोटे से बालक ने पिताजी गोदी में ले रहा हो और स्नान करने लग जाए किसी घाट पे, और उस बच्चे ने जल में छोड़ दे के लिए नाले बेटा, वो डरता फिर दूना चिपट जाएगा अपने पिता के, वो नीचे ना उतर के डूब जाऊं मैं। तो ऐसे जब आपको ये पहचान हो जाएगी कि हमारा संरक्षक पिता यही है, परम पिता यही है, तो आप ऐसे चिपक जाओगे, फिर पैर नहीं धरोगे नीचे कदे, फिर डूब जाए इस बहुजल के अंदर। तो इसके लिए आपको कुछ प्रमाण देते हैं ऋग्वेद के। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, परमात्मा कह रहे हैं कि मैं सतलोक से चलकर आता हूँ, वहाँ से गोता मारता हूँ, ऐसे एकदम जैसे जल में डुबकी लगाते हैं, और अपने श्रेष्ठ आत्माओं को, हीरे लाल मोतियों को, अच्छी अच्छी आत्माओं को खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, जैसे जल में गोता मार के मुरजीवा यानी गोताखोर और नीचे से वस्तु ढूंढ कर लाता है। कहते ऐसे मैं चल कर आता हूँ, सेकेंडों में गोता मारूँ डुबकी लगाता हूँ, स्वर्ग में पहुंच जाता हूं, फिर पाताल में एक सेकंड में पहुंच जाता हूं, और ऐसे अपने पृथ्वी पर आ जाता हूं। ऐसे गति करके मैं अपनी प्यारी आत्माओं को खोज रहा होता हूं, श्रेष्ठ आत्माओं को। देखिएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 से इकट्ठे ही जलद किए हुए हैं, अनुवाद है। ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये फोन नंबर है इनके, ये फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली। फोन नंबर ये इनकी है। इसमें देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के
और सूक्त नंबर 86 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में, और मंत्र नंबर 26 में यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके रास्ते सरल कर देता है, आसान भक्ति विधि बताता है, उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का वहाँ रूप तेजो में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी एक रोमकूप की रोशनी है, तो हम चरम दृष्टि से उसको नहीं देख सकते, अपना हल्का तेज पुंज का अन्य रूप बना के वो परमात्मा यहाँ आता है। परमात्मा करता हुआ अपने, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्का तेज पुंज का बना के, वह कांतिमान परमात्मा, यहाँ इन्होंने कवि लिख दिया इसका, ये लिखना था कबीर देव, वो कबीर साहब, हम कबीर साहब कहें और संस्कृत में उसको कबीर देव लिखा जाता है, कबीर देव लिखना था यहाँ पर, वो कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, यानी श्रेष्ठ आत्माओं को, भक्तों को प्राप्त होता है। उद्देश्य क्या होता है? वो परमात्मा कहाँ रहता है, ये अमित ना लेंगे। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी एक स्थान पर रहता है, एक देशीय है, धूलोक के, जो परमात्मा धूलोक के उन तेजों में लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब हम आपको दिखाते हैं, यह ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, इस 96 में मंत्र नंबर 16 में कहा है कि हे परमात्मन, हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, या नाम का इन्होंने गलत अर्थ किया है, श्रेष्ठ जो नाम, श्रेष्ठ नाम, ये नाम का नाम ही लिखना था, जो आपका नाम है, तुम्हारी संज्ञा नहीं, तो जो आपका नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। यहाँ देखिएगा 17वें में क्या कहा है कि वो परमात्मा जो शिशु, शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती विहीन मरुतो गणेन, कबीर गिरभी कावेना कबीर देव, ये कबीर, कबीर देव, संत सोम पवित्र अत्यतिरेभन, ऊंची स्वर में आवाज कर करके वो शिशु रूप धारण करके आने वाला परमात्मा अपने वहाँ अपने जानबूझकर प्रकट होता है किसी उद्देश्य से, और अपने यथार्थ ज्ञान को बड़े प्यार से सुनाता है, और कैसे सुनाता है, कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा। इन्होंने इस कबीर गिरभी का क्या लिख दिया, ये कबीर ऊपर रह लगा हुआ है इसके, देखो रह, कबीर गिरभी, इन्होंने कवि बना दिया, कवि और गिरभी माने वाणी द्वारा, यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा, और कवितव से कावेना, कविताओं से उसकी स्तुति, कविताओं से यानी कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से वो बोलता है, और वो अमर परमात्मा होता है, वो कबीर हो, कबीर देव है, वो कबीर देव है। यहाँ पर ना ये दो बार कबीर है, तो कबीर गिर भी काविना कबीर, संत सो, वो संत रूप में प्रकट अमर परमात्मा कबीर देव, कबीर वाणी द्वारा, काविना यानी कविताओं के माध्यम से, अति ऊंचे स्वर में, रेभन माने ऊंचे स्वर में, इन्हीं के द्वारा, रेभन माने गर्जता हुआ, रेभन सन, ऊंची आवाज में बोलता है। वो कहाँ रहता है, 18वें में, उसका कबीर नाम है, ये क्लियर हो गया ऊपर कि वो कबीर, कबीर देव है, ये 18वें में वो कहाँ रहता है ये बताया गया है।
तृतीयम धामम, वो तीसरे धाम में रहता है। यह अनुवाद इसका। अब 18वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 18 में क्या कहा है कि वो सोम स्वरूप परमात्मा, वो अमर परमात्मा, सोम माने अमर, पालन की इच्छा करता हुआ यानी धारण पोषण करने, सबका धारण पोषण करने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 से संबंधित है। पालन की इच्छा करता हुआ यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए हुआ, जो महान वह परमात्मा, जो महान परमात्मा तृतीयम धाम देव्यान पितरान इन दोनों से पृथक, तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम तीसरे धाम में है, तीसरे धाम में विराजम, वो विराजमान है। इन ज्ञान योगी उड़ा दिया, उड़द भूल गए, ये करियर लिख दिया तीसरे धाम में विराजमान है, और यहाँ लिख दिया विराजमान जो ज्ञान योगी है उसको प्रकाश करने वाला, अड़ंगा उड़ा दिया। इसी तरह से है कि वो तीसरे धाम में, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, रहता है। और यहाँ स्पष्ट है, इसमें देखो मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 27 में ये स्पष्ट लिखा है कि वह प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा धूलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, या ज्ञान योगी ना लिखा, परमात्मा है ना, एक जगह बैठा है, तो इसमें भी यही है। ये गलत उड़ा दिया, अनुवाद गलत कर दिया। अब आप देखिएगा वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है। अब 82 के ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 82 के और मंत्र नंबर 1 में नीचे क्या लिखा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबका जन्मदाता, सबको रचने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेज पुंज का शरीर है उसका, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजीव राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है, राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है, अंडरस्टैंड बिल्कुल क्लियर है इसमें। वह पृथ्वी लोक आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भक्त को, अपने हीरे मोती लाल को, जो दृढ़ भक्त है यानी पक्का भक्त है, उसकी बात को आगे सारे संसार में भेज दे, उनको मिलता है भक्त, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उनको मिलता है, कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी जिस प्रकार बिजली गिरा करे किस पे, जैसे उस जिस पर वो गिर सकती है, जिससे उसका कनेक्शन सही फिट हो जाता है। अब बिजली उड़े वहीं गिरती है जहाँ वो गिर सकती है, जहाँ उसका उससे कनेक्शन हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा अपने उस उन प्यारी आत्माओं पर ही वो आकर्षित होता है जो उनके ज्ञान ने आगे बढ़ा सकें, और जो कान्ना पर घटाड़ें विरोध करें फिर उन तो भगवान मिले किसके लिए जाके, कि जो दृढ़ भक्त हैं वहाँ से गति करके आता है अपने सतलोक से, और जो दृढ़ भक्त हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, उनको प्राप्त होता है। कैसे होता है, जैसे बिजली जैसी गति से, जैसे बिजली चमक दे ही एक सेकंड में आ जाती है, ऐसे ही परमात्मा चलता है उनको मिलने के लिए। आगे देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2, वो किस लिए आता है परमात्मा, उसका उद्देश्य क्या होता है, ये क्लियर है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र 2, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप यानी सच्चा ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, हीरे मोती लालों को मिलते हो, ढूंढते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान
हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। हमारे कहते हैं जहाँ मेरी चर्चा होती है तामे गौन करंत, और वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। आप कबीर देव हैं, या लिख दिया आप सर्वज्ञ हैं, नहीं यहाँ कबीर देव लिखना चाहिए था। इन्हीं के द्वारा का अनुवाद दिखाते हैं आपको। गुणात्माओं ये अध्यात्म ज्ञान है, और इस ज्ञान से आप जी को परिचित कराना इस दास का प्रथम कर्तव्य है। यदि आप इससे परिचित होते तो दास आपको बड़े थोड़े से समय में एक घंटे के अंदर ऐसा मौखिक ज्ञान दे देता कि आप गदगद होकर चले जाते। लेकिन उस मौखिक ज्ञान को आप स्वीकार कर ही नहीं सकते, उसको स्वीकार कराने के लिए या सिरंज लगानी पड़ती है, वह दवाई इंजेक्शन अंदर पहुंचाने के लिए ये सदग्रंथ रूपी ये सिरंज आपके, इनके माध्यम से आप उस दवाई को ग्रहण कर सकते हो। जैसे कैप्सूल कड़वा होता है उसके ऊपर एक प्लास्टिक कोट अलग से बना देते कवर, फिर वो पानी गेल अंदर चला जाता है। तो इसी प्रकार ये सदग्रंथ आपको दिखा कर आपको ऐसा तैयार कर देंगे, फिर आप इस कड़वी दवाई को फाँक के अपमरण लग जाओगे। इसलिए रह रह कर आप दिखाते हैं कि जहाँ इन्होंने किया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 1 में, यजुर्वेद ये महर्षि दानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, और ये 40 के 40 अध्याय महर्षि दानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। लेखक नहीं है ये, केवल अनुवादक है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस नई दिल्ली। ये 36वां अध्याय है, 63 अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में, यहाँ लिखा है यजु रच वाचम च पधे मन यजु परपधे, रजु युवाच परपधे मन यजु परपधे यजु। अब इस यजु यजु यहाँ पर जो यजु लिखा है दो अपसर्ग लगा दिए, तो इसका अनुवाद करते समय लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, और इसका यजु का अर्थ कर दें तो फिर समझ में नहीं आओ अनुवाद गलत है। तो इन्होंने दानंद जी ने सही किया अनुवाद, यहाँ पर इसका यहाँ अनुवाद किया है कि यजुर्वेद को, तो इसने आगे सही लिख दिया यजु ब्रैकेट में संस्कृत है, और इसको हिंदी करते समय यजुर्वेद लिखना अनिवार्य है, नहीं तो फिर के समझेंगे हम इसको क्योंकि है यजु, यजु का अर्थ कर दे यजीय सतुतियाँ, तो यजुर्वेद वो बुक के बारे में जानकारी नहीं हुई। तो ये बुक के बारे में, उस पवित्र होली बुक के बारे में जानकारी है यजु, यजु माने यजुर्वेद, हम यजुर्वेद का अगर यजुर्वेद। तो ऐसे ही जहाँ कवि ये अपसर्ग लगा के कवि लिख दिया ना, हमें लिखना पड़ेगा कबीर देव, उस कबीर देव की महिमा गाई जा रही है, वो कवि हम कबीर साहब कहने लग गए उसने। फिर आइए ऋग्वेद मंडल नंबर 9, अब आइएगा ऋग्वेद। अब हम ऋग्वेद को फिर ले रहे हैं, यजुर्वेद को रख दिया ये सिद्ध करने के लिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 2, इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञों में यानी धार्मिक अनुष्ठानों में को प्राप्त होते हो, वहाँ पहुँच जाते हो। आप कबीर देव हैं, यह लिखना चाहिए आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर देव माने साहब परमेश्वर, हम उसको कबीर साहब कहने लगे कबीर देव को, कबीर साहब कबीर देव कबीर साहब, आप कबीर देव हैं, यह लिखना चाहिए था कबीर देव। शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को
दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 में फिर स्पष्ट किया है, मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और मंत्र नंबर 1 में, ये मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और मंत्र नंबर 1 में क्या लिखी है, देखो यहाँ लिखा है, पर कबीर देव, कबीर देव वितय, ये कबीर देव लिखा सीधा है, पर यानी वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, वह परमात्मा मेधावी है, इसका अर्थ लिख दिया। यदि यहां पर जब यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही हो कहीं पर, उसका अर्थ कर दे यजुव सतुतियां, सतुतियां नहीं, यहां लिखना पड़ेगा, जैसे वह परमात्मा कबीर देव है, बस वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए, जिनको भगवान की चाह है, ज्ञान की इच्छा है, उनको तृप्त करने के लिए ज्ञान से ज्ञान को देता है, और सहनशील है, ओह कितना तंग किया था भगवान को, फिर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी दाता ने, वह सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। अपनात्मा रामानंद जी ने सोचा इतने दृढ़ता के साथ ये बच्चा बोल रहा है, इसकी बात में बहुत कसक नजर आ रही है, आम बालक ऐसी बात नहीं कह सकता, फिर भी सोचा पहले अपना क्रियाक्रम कर लेता हूँ, उसके बाद इस आगे प्रश्न करूँगा। तो उसने कहा बच्चा तू बैठ जा थोड़ी देर, मैं अपना नित्यक्रम कर लेता हूँ। नित्यक्रम कैसे करता था, एक मानसिक मूर्ति बनाता था भगवान विष्णु की, जैसे कल्पना करते हैं आँखें बंद करके, और वैसे जो विष्णु साधु क्या करते हैं, भगवान की विष्णु की साकार मूर्ति रखते हैं पीतल या पत्थर की, और उसको क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं, धोती एक बनी बनाई मिल रही इनके कपड़े, उस धोती को बांध देते हैं और ऊपर एक वस्त्र पहना देते हैं, गले में माला डाल देते हैं, कंठी बोलते हैं एक तुलसी के मणिये की, तिलक लगा देते हैं, मुकुट रख देते हैं, प्रतिदिन ऐसा करते हैं, और अगले दिन फिर उन कपड़ों को उतार देते हैं, मुकुट नीचे रख देते हैं, कंठी भी निकाल देते हैं, फिर नहाते हैं भगवान को, स्नान करा के अगले दिन फिर वस्त्र पहना देते हैं, सभी श्रृंगार पूरा कर देते हैं, तो वो पूजा सही मानते हैं। रामानंद जी ने उस दिन क्या किया, ऐसे ही कपड़े उतार दिए और फिर भगवान को कल्पना करके मूर्ति मन मन में मानसिक सेवा कर रहा था, मानसिक पूजा कर रहा था, वस्त्र उतार के और नवा के और कल्पना में जैसे सोपन होया करें, ऐसे ही फिर उनको मुकुट रख दिया कपड़े कुपड़े पर आकर, तिलक भी ला दिया। उस दिन वो एक मणिये की कंठी डालना भूल गए, जैसे वो रखी दिखा अलग से, भगवान का गला खाली जैसे सोपन में दिखाई देता है। तो स्वामी जी ने सोचा बात बात बिगड़ गई, मुकुट रख दिया, और मुकुट रखने के बाद मुकुट उतारा नहीं जा सकता, उस दिन जब मुकुट उतार दिए तो पूजा खंडित, और कंठी ना डली तो भी पूजा अधूरी खंडित होगी, वह कंठी भी होनी चाहिए थी और मुकुट भी नहीं उतरना चाहिए उस दिन। तो उसने सोचा इस माला को ऊपर के मुकुट के ऊपर से डाल देता हूँ, वह मुकुट में अड़गी सपने में जैसे होता है ऐसे, अब बड़ा दुखी हुआ। अब रामानंद जी कह रहे हैं भगवान आज मेरे से कौन सी गलती बन गई, जीवन में पहली बार मेरे से भूल लगी है, आपका श्रृंगार आपकी पूजा अधूरी होगी, मुझे माफ़ करना परमात्मा, बहुत दुखी हो रहे। तब उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने बाहर पर्दे से बाहर बैठे बोले रामानंद जी, स्वामी जी इस माला की गुंडी खोल लो या गांठ खोल कर और फिर गले में बांध कर गांठ दोबारा ला दो, मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा, अब ना कोई मूर्ति साकार बाहर दिखाई दे, पर्दा हटा के देख लिया होगा। अब रामानंद जी ने सोचा या तो भाई
मेरे मन की बात बता दी। मैं तो मन में स्वप्न सा देख रहा था। इतने में कहते हैं ज्ञानकार गाम का तो चमका ऐसा उसे, और कहते हैं एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। अपने आत्माओं स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले वो ब्राह्मण होता है। और कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है ये मन साधा दीजिए तो गोविंद पहिए। लोक लाज मरिया जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। रामानंद जी ने कहा तो एक मर्यादा इतना दृढ़ हो रहा था, इतना कट्टर छुआछूत करने वाला व्यक्ति, और आगे सामने पूरा ब्राह्मण समाज बैठे हजारों की संख्या में। अब उसने देखा कि सामने भगवान खड़ा और एक तरफ समाज खड़ा। वो ब्राह्मण थे रामानंद जी, उसने समाज नहीं देखा, जात पात नहीं देखी, उन्हें भगवान दिखाई दिया। और पर्दा फेंक दिया उठा करके, डोडी का जो आगे कर्टेन ला रखा था एकदम फेंक के उसको बाहर आया। रातें ही बच्चे का नुह से अपने सीने से लगा लिया और क्या कहने लगे, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेसे, गरीब दास गति कौन लख तेरा कौन वर्ण के बेख। रामानंद जी ने कहे भगवान आपने मेरे मन की बात बता दी, फिर तूने भगवान कैसे मानना, कोई व्यक्ति किस रूप में खड़ेगा और किसके किस वर्ण में, शूद्र वर्ण में हैं और एक बालक रूप में खड़े हो धोती बांधे। आपकी गति को, आपकी महिमा को, आपको कौन पहचान सकता है परमात्मा। तो उसी समय रामानंद जी ने देखा के देखा के हो कि परमात्मा का शरीर तो ऐसा है जैसे रुई का होया करे। तो क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल परवेश, गरीब दास गति को लख ये कौन वर्ण क्या बेखे। ये तो तुम शिक्षा दी ही मान ली मन मोरे, गरीब दास तुम कोमल पुरुष और हमारा बदन कठोरे। अब जब कहे थे ना परमात्मा तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है मेरा, मेरा शरीर तो बहुत नूर का है, तब रामानंद जी जब उसने संपर्क में आए भगवान के स्पर्श हुआ, तब ने कहे कि आपने मेरी जो फड़क निकालनी थी मैं समझ गया, मैं छुआ छात गणी करूं था, और आपका आपका उद्देश्य है कि मैं ये ना करूं, आपकी यह शिक्षा मैंने प्राप्त वाली प्रभु, आज के बाद मैं यह छुआ छात नहीं करूंगा। और हे परमात्मा आपका शरीर तो बिल्कुल कोमल है और हमारा बदन कठोर है। वह फिर जचगी वह बात की जो कहे थे भाई तेरे जैसे चाम का मेरा शरीर नहीं है, तो उसी समय स्वीकार कर लिया। अपुणात्माओं आगे क्या बताते हैं, ये लंबी कहानी है लेकिन थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, समय का बहुत अभाव है, क्योंकि ये सत्यनारायण कथा या तो सारे दिन सुने सारे दिन, और फिर भी नहीं इच्छा रह जाए और सुनाई जा, लेकिन अब धीरे धीरे हम उस समय के अनुसार इसको धीरे धीरे आपके हृदय में उतार देंगे और आपको परिपक्व कर देंगे, इसमें आप भी परमात्मा से परिचित हो जाओगे ऐसे धीरे धीरे। अब क्या होता है, रामानंद जी, अब रामानंद जी ने सोचा भाई बात तो सारी काटे की कह रहे हैं, फिर परमात्मा ने क्योंकि वो सारा सार्वजनिक करवाना था किस किस के बात हुई, तो रामानंद जी से मन में प्रेरणा आई के बच्चा और तो आपकी बात में मान गया सारी, पर न्यू बता आपने झूठ क्यों बोला। परमेश्वर ने कहा क्या झूठ बोला स्वामी जी गुरुदेव, कि आपने मेरे से नाम ले रखा है, हाँ जी आपसे मैंने उपदीक्षा ले रखी है, कोई प्रमाण बताइए क्या आपके, मैं तो एक कंठी देता हूँ, कंठी गले में बांधन की, एक तुलसी के मनिए की मणके की है तेरे पास। परमेश्वर ने वह निकाल के दिखाई दी कि देख स्वामी जी या रही आपने दी थी वह पंचगंगा घाट पे, पंचगंगा घाट पे हाँ, अरे वहाँ तो छोटा सा बालक था, ढाई वर्ष का बालक, तू तो 5 वर्ष का बच्चा है, काफ़ी अच्छी हाइट है तेरी, तो
उसी समय परमात्मा ने दूसरा रूप बना लिया, 2.5 वर्ष के बच्चे का, और एक सेवक की खाट थी, चारपाई थी, उस पर लेट गए जाकर के, देख स्वामी जी देखो मैं ऐसा था, सामने भी खड़े हैं एक रूप में 5 वर्ष के बालक के रूप में, और दूसरे चारपाई के ऊपर देखा एक 2.5 वर्ष का बालक और लेटा हुआ है। अब रामानंद जी ने 6 बार तेनू देखा, 6 बार नो देखा, 6 बार तो देखा तो उस 5 वर्ष के बालक के हाइट शरीर को, और 5 बार देखा उस 2.5 वर्ष के बालक को खाट पर लेटा हुआ चारपाई, आखिर में आख्या मलमल देखा कि मेरा धोखा लाग रहा हो। इतने में वो बालक उठा के परमात्मा ने सोचा ये मन के टक्कण दे से बुढ़े ने, अब वहाँ से उठा वो 2.5 वर्ष का बालक और उठ के परमात्मा में समा गया। उसके देखते देखते तब रामानंद जी फ्यूज हो गया, अक भैया तो सारी ये सच्ची बात है, ये कोई खास उद्देश्य है प्रभु मेरे साथ जो ऐसी लीला कर रहा है। फिर भी वो मन पुराना ज्ञान वो टिकन नहीं देता, नहीं बोला बच्चा मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, अक चाल बैठ स्वामी जी, कहा जाए एकांत में बैठेंगे। चले गए एक उस गंगा के किनारे, वहाँ 5-10-20 भगत और भी चले गए। जब वार्ता हुई परमात्मा ने कहा आप क्या पूजा करते हो कि मैं इस विष्णु जी को इष्ट मानता हूँ। विष्णु परमात्मा ने कहा विष्णु जी तो नाशवान है, देवी पुराण 3rd स्कंद पढ़ कर देखिए। अब रामानंद जी तो पहले से ही कंठस्थ कर रखे थे पुराण और वेद और गीता, उसने 3rd स्कंद का नाम लिया कि उसमें लिखा है कि देवी पुराण में विष्णु जी कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है, और मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही जी से प्रगट हैं, और हमारा तो आविर्भाव और त्रोभाव होता, हमारा जन्म मृत्यु होता है। शंकर भगवान बोले कि जब ब्रह्मा आपसे उत्पन्न हुआ तो क्या विष्णु आपकी संतान नहीं हुआ, विष्णु आपसे उत्पन्न हुआ तो क्या ब्रह्मा आपकी संतान नहीं है, अब दुर्गा और मैं भी आपका बेटा हुआ। रामानंद जी क्योंकि उसको तो याद थे, कहने लगे हाँ ऐसा ही लिखा है। फिर इतना नाशवान है तो विष्णु जी की पूजा कर रहे हो, और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक देखो, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा, जिन इस त्रिगुण भी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता है मेरी साधना भी नहीं करता। यानी काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हुई, परमात्मा ने बताया गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस ब्रह्म ने बोला है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11-10 के श्लोक नंबर, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। अब रामानंद जी को तो याद थे, सारे बुद्धिमान को समझाना आसान होता है, जो परमात्मा बोला सारी स्वीकृति देता। जब ब्रह्मा विष्णु, जब विष्णु जी नहीं रहेंगे, श्री विष्णु का लोक नाश होगा तो तू आप कहां रहोगे। अब बात आ गई ठिकाने, न बोला बच्चा बात तो तेरी सारी सच्ची है पर आज तक ये किसी ने बताया तो कोई ना, अब तेरी बात पर विश्वास मेरा बहुत देर से दृढ़ होगा। परमात्मा बोले दृढ़ता मैं कर दूंगा अगर आप मेरा सहयोग दोगे। रामानंद जी कहने लगे कि बच्चा मैं तो समाधिस्थ होता हूँ, कहते हैं प्राणायाम कर, योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलवीर। बाल ब्रह्मचारी था रामानंद जी और योग अभ्यास करा करता समाधिस्थ हो जाता था, लेकिन ऊपर 3 रास्ते आ जाते हैं, त्रिवेणी 3 रास्ते, उस 3 रास्तों पर जाकर के इसकी सूरत रुक जाती थी, आगे न्यों नहीं पता था कौन से बजाना चाहिए। पुण्यात्माओं आप कहीं जंगल में जा रहे हो और 2 रास्ते हो जाए आप उड़े फ्यूज हो जाओगे कौन से बचा लो, और वहाँ 3 आप परमात्मा बोले आप समाधिस्थ होकर देखो। वो कहता था मैं योग अभ्यास करता हूँ मेरी सुरती बहुत ऊंची मंजिल में पहुँच जाती है, परमात्मा बोले लगाओ मंजिल समाधि करके देखो समाधिस्थ होगे। परमेश्वर आगे साथ गए उसी बालक रूप में, और त्रिवेणी पर जब वो जाली उनकी आत्मा, जब कहा स्वामी जी ये तेरा अंतिम ठिकाना आ गया, ये सामने वाला जो रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र है, ये तेरे इस मंत्र ओम नाम से नहीं खुल सकता, ये सतनाम से खुलेगा, और ये रास्ता तेरा अब जो विष्णु जी के इष्ट रूप में तू उपासक उनकी उपासना कर रहा है ओम ओम भागवते वासुदेव,
तो इस रास्ते से जाएगा, आगे धर्मराज का लोक होगा, धर्मराज से तेरा अकाउंट होगा, उसके बाद तू विष्णु लोक में चला जाएगा, उससे आगे तेरी कोई पहुंच नहीं, और विष्णु लोक में अपने पुण्य खत्म करके तू फिर तेरा शिलाख योनियों में आएगा। और ये सामने वाला ब्रह्मदंडर मेरे पास जो मंत्र है सतनाम उससे खुलेगा, और आप कोशिश करो इसको खोल के। न बोले जी मेरे तो नहीं खुलता मंत्र, 100 वर्ष हो गए इसकी खोलने की, 80 वर्ष हो गए मैंने इसकी चेष्टा करते, मेरे से नहीं खुल रहा। तो परमात्मा ने अपने सिमरण किया श्वास का, उस श्वास से सतनाम से वो ब्रह्म काल के लोक में जो विशेष लोक है काल का 21वां ब्रह्मंड, उसमें जाने का रास्ता पट दे ही खुल गया। सतगुरु खोल रहे वज्र कपाटा, दास गरीब मेर सतगुरु की खोली वज्र कवाड़ी, ये वज्र की कवाड़ी खोल दी, जब आत्मा को ऊपर लेके गया, कहने लगे यो रे जिसको तुम निराकार बताते हो ये बैठा, ये ज्योत निरंजन काल जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, 1,00,000 मानव श्रीधारी प्राणियों को नित यहाँ आहार करता वो तपस्या दिखाई, फिर पारब्रह्म के लोक को पार करके भौर गुफा से आगे सतलोक में प्रवेश किया। वहां जाकर क्या देखा कि कबीर जी दूसरे नीचे से बालक रूप में उनके साथ है, ऊपर एक तख्त के ऊपर विराजमान है वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर देव जी, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतनी रोशनी, और कबीर परमेश्वर 5 वर्ष का बालक उठाकर एक चंवर उस परमात्मा के ऊपर करने लगे। रामानंद जी ने सोचा ये है वो अविनाशी परमात्मा जो तख्त पर बैठा, कबीर जी यहाँ के कोई गण होंगे, जैसी उनकी बुद्धि काम कर रही थी बालक की तरह। तो थोड़ी देर में क्या होते हैं कि वो तख्त पर विराजमान परमात्मा खड़े हुए, और बालक रूप भगवान जो कबीर जुलाहे रूप में यहाँ नीचे थे पृथ्वी पर उसी रूप में गए थे ऊपर, वो तख्त पर बैठ के ओवरऑल कंट्रोलर की कुर्सी पर, और जो परमात्मा दिखाई दे था वो सेवा करे नौकर की तरह कबीर भगवान का। अब रामानंद जी सोच ही रहे थे यूं क्या हो गया भाई, इस नौकर की भगवान पूजा रिगार्ड कर रहा है, उसी समय वो परमात्मा जो तेजोमय शरीर वाला उस 5 वर्ष के बालक के शरीर में समा गया, और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहे हैं आदर के साथ, और परमात्मा बोले रामानंद जी चल नीचे जा, ये है मेरा स्थान, मैं सतलोक का मालिक हूँ, सारे ब्रह्मंडों का स्वामी हूँ, और यहाँ आने के बाद देखिए कितने बच्चे हैं, ये सब परमात्मा के सुखी हैं, इनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, इनको जरा और मरण व्याप्ते नहीं। तहां वा चित चक्रित भया वो देख्या फजल दरबारे, कहते वहां मन चक्रित हो गया उस रामानंद का, जा देख्या फजल दरबार, और फिर वापस भेज दिया नीचे आकर देखा, वो समाधि जब उसकी खुली नींद सी, सामने परमात्मा कबीर जी बैठे हैं वही 5 वर्ष के बालक में के रूप में, तब रामानंद जी फ्यूज हो गया, वो सारी बकवाद चलेगी जो उसने वो अज्ञान ग्रहण कर रखा था, आंखें देख लिया। क्या बताते हैं, तावा चित चक्रित भया जब देखा फजल दरबारे, फजल माने उस दयालु भगवान का, उस रहम करने वाले परमात्मा का वो दरबार देखा, गरीब दास सिजदा किया हम पाए दीदार। गरीबदास जी कह रहे हैं रामानंद जी ने फिर सजदा करा नो, आए हे भगवान अब मैंने परमात्मा मिल गए, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि। ओए होए अब रामानंद जी कहाँ तो विद्वान पाक रहे थे, अन्यो कहे ए परमात्मा आप मेरे मालिक, और मेरा ज्ञान तो बालक जैसी बुद्धि का ज्ञान था जिसको मैं अपना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मान रहा था, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि ब्रह्म कर्म किए नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरे हो गया दृढ़ विश्वास, के तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि और मेरा तक कर्म भ्रम सारा नाश हो गया। गरीबदास जी बता रहे रामानंद जी ने बोले तुम हो निज ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म तुम हो, परम अक्षर ब्रह्म तुम ही हो, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास, सुन बे सुन से तुम परे और उर में हमरे तीरी, उरे उर कहते हैं सुन बे सुन से उस पर ले लोक सतलोक में भी आप ही हो, और ये मेरे सामने भी आप ही बैठे हो।
सुन बेस बिसुन से तुम परे उर से हमरे तीरी, गरीबदास सरबंग में अवगत पुर से कबीर। यानी सब जगह व्यापक है वो परमात्मा, सब जगह। कोटि कोटि सिद्ध दा करे और कोटि कोटि प्रणाम, गरीब दास अनहद अदर हम पर से तुम दाम। इब्ने गमन आपका लोक देख लिया, आप सचमुच परमात्मा हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। ओए ओए, अब कह तो डांट मारा था बुढ़ला, अरीब ने कहे सुन स्वामी। कहते हैं बोलत रामानंद जी और सुन कबीर करतार, और रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास कह रहे हैं, सब रूप में तू ही बोलन हार, तेरे बिना तो एक पत्ता भी ना ले परमात्मा, तेरी ही शक्ति से सब जीव चल रहे हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हमसे, गरीब दास तुम रूप बिना और न दूजा अन्न से। कहते तुम ही परमात्मा हो और तुम ही श्रेष्ठ संत हो और तुम ही एक हंस हो, हंस माने जो कति विकारों से रहित होता है, और तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो, और आपके बिना संसार में कुछ नहीं मालिक। मैं भक्ता मुक्ता भया, मैं तो आपका भक्त, मैं आपका दास मुक्त हो गया। रामानंद जी कह रहे 104 साल के ब्राह्मण विद्वान और उस 5 वर्ष के बालक को, मैं आपका भक्त मुक्त हो गया, मेरा तो टंटा कट गया। मैं भक्ता मुक्ता भया, किया कर्म कुंद नासे, गरीब दास अवगत मिल गए मेरे, मिट गई मन की बांसे, या मन की भटकना मेरी कति खत्म होगी, मेरा अग्रम मग्रम समाप्त हुआ। दोहू ठोड़ है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। वेदों वाली बात क्लियर होगी, परमात्मा ने खुद बताया कि गोता मारू स्वर्ग में जा पैठू पाताल, कह कबीर में ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। अब रामानंद जी ने आंखों देखा जो बताया कि दोहू ठोड़ है एक तू, होय होय, वहाँ भी तू ही है, यहाँ भी तू ही है, और भया एक से दो, और हम पापी प्राणियों के लिए मालिक तुम वहां से चलकर आए हो। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।